अब आते नहीं भाई बिल्कुल प्लीज। किसान आंदोलन, यही था अपना टॉपिक। किसान आंदोलन में देखो, मैंने आपको बताया था कि हमारे किसान आंदोलन को अपन दो भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, एक तो जागीरी भूमिका और दूसरा खालसा भूमिका। ये दो ही है, खालसा भूमि किसान आंदोलन और जागीरी भूमि किसान आंदोलन। क्योंकि हमें पता है कि राजपूताना में 87% जो भूमि है वो तो कैसी थी, जागीरी भूमि, और मात्र 13% जो भूमि है वो थी खालसा भूमि। तो अधिकांश जो हमारे जो भी किसान आंदोलन हुए वो जागीरदारों के शोषण के कारण से हुए। चाहे आप इसमें अपने जयपुर रियासत के देख लीजिए, चाहे आप मेवाड़ रियासत के, मारवाड़ रियासत के, या अपनी बीकानेर रियासत के, बूंदी के, जो भी अधिकांश आंदोलन हुए ये सारे के सारे जागीरी भूमि हुए हैं। लेकिन हमारे यहीं पर अपन अलवर को देखते हैं, अलवर का मामला थोड़ा सा इनसे देखो अलग है। अलवर की बात करें तो यहाँ का ऐसा है कि यहाँ पर करीब 87% के लगभग जो भूमि है ये भूमि यहाँ पर खालसा भूमि है, और केवल 13% जो भूमि है ये भूमि कैसे यहाँ पर जागीरी भूमि है। अधिकांश यहाँ का और जो भी आंदोलन हुए अलवर के वो सारे के सारे काम पर होते हैं खालसा भूमि के ऊपर होते हैं। यह मैं कल आपको बता दिया था कि जागीरी भूमि और खालसा का मतलब क्या होता है। खालसा का मतलब है जिस भूमि पर सीधा सीधा शासक का अधिकार होता है वो तो क्या कहलाएगी, खालसा। और जो जागीर उसको शासक है उसको जागीरों के अंदर बांट दे और जागीरदार उसका स्वामी होता है उसी को अपन क्या बोल देंगे, जागीरी भूमि। यही है। उसके बाद में अपने पढ़ा था, सबसे पहले अपन करेंगे मेवाड़ रियासत के किसान आंदोलन। और देखिए मेवाड़ रियासत के किसान आंदोलन की बात करें तो मेवाड़ रियासत में मैंने आपको बताया था कि मेवाड़ रियासत में मुख्य रूप से दो जगह पर आंदोलन होते हैं मेवाड़ रियासत के अंदर। एक तो जो आंदोलन है वो कहाँ पर होता है अपन को मालूम है, बिजोलिया के अंदर, और दूसरा यहाँ किसान आंदोलन होता है बिजोलिया की देखा देखी ये कहाँ पर होता है, बेगू के अंदर। बिजोलिया और बेगू इन दोनों ही जगह पर किसान आंदोलन। बिजोलिया की अगर अपन बात करें तो इसके बारे में अपन चर्चा की थी कि बिजोलिया एक सदर मुकाम था। ये सदर मुकाम था, सदर मुकाम क्या होती है, कल ही मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले जो रियासत है रियासत को किस में डिवाइड करते हैं, जागीर में, जागीर को सदर मुकाम में, सदर मुकाम को मुकाम में, और मुकाम को ठिकाना में, ठीक है। और ठिकाने के दिन क्या रहती है, रियत। यही बात की थी अपन ने। इसी प्रकार से तो बिजोलिया की बात करें तो बिजोलिया तो क्या था, यहाँ का एक सदर मुकाम। और अगर इधर बेगू की बात करें तो बेगू यहाँ का था एक ठिकाना, और जो बेगू ठिकाना था ये था यहाँ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना। यानी ठिकानों की भी अलग अलग प्राथमिकता दे रखी थी, इसमें प्रथम श्रेणी का ठिकाना घोषित कर रखा था बेगू को। तो बेगू तो बताएंगे अपन प्रथम श्रेणी का ठिकाना, और बिजोलिया की बात करें तो ये क्या था, एक सदर मुकाम। यही था। कल मैंने आपको समझाया था कि बिजोलिया जो ये सदर मुकाम है, ये सदर मुकाम किसका है, ऊपरमाल जागीर का। ये बात की थी अपन ने, किसका, ये ऊपरमाल जागीर का। और ऊपरमाल जागीर का जो विस्तार देखेंगे, ये विस्तार की भी अपन ने चर्चा की है कि ये कहां से लेकर कहां तक है, बिजोलिया से लेकर बहस रोडगढ़ तक, बिजोलिया से लेकर बहस रोडगढ़। बिजोलिया बोले तो कौन से जिले में है, भीलवाड़ा में, और बहस रोडगढ़ चित्तौड़ के अंदर। तो यहीं पर बिजोलिया से लेकर बहस रोडगढ़ तक का जो ये जागीर है, और इसी जागीर को परमाल जागीर नाम दिया गया, और यहाँ का जो पठार है उस पठार को अपन बोलते हैं ऊपरमाल का पठार, जिसकी विस्तार देखें तो तीन जिलों के अंदर मिलेगा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, और तीसरा कौन सा जाएगा आपका, बूंदी। यही है, तीन जिलों के अंदर कौन कौन सा, भीलवाड़ा, बूंदी और चित्तौड़गढ़। ये था। अब बात आती है कि इस ऊपरमाल जागीर की स्थापना किसने की थी, तो कल ही देखो अपने समझा इसको कि ऊपरमाल जागीर की स्थापना 1527 में होती है।
अब 1527 में प्रसिद्ध युद्ध होता है, आपको मालूम होगा कौन सा युद्ध होता है, खानवा का युद्ध। किस किस के बीच में हो रहा है? राणा सांगा और उसके बाबर के बीच के अंदर। और इसी युद्ध में राणा सांगा की जो सहायता करता है, ये सहायता कौन करता है? अशोक परमार। और ये अशोक परमार कहाँ के निवासी थे? जगनेर भरतपुर के, यहीं के थे, जगनेर भरतपुर का निवासी था। और इसने इस युद्ध में राणा सांगा की सहायता की, तो राणा सांगा ने ऊपर माल की जागीर इनको भेंट की। तो यहाँ पर जो शासन किया है वो शासन किसने किया है? अशोक परमार के वंशजों ने ही यहाँ पर आगे जाकर शासन किया है ऊपर माल जागीर के ऊपर। और इसी के वंशजों ने इसका सदर मुकाम जो बिजोलिया है यहाँ का शासन भी इन्होंने ही चलाया है। अब अपन देखो आंदोलन हो रहा है बिजोलिया के अंदर, तो बिजोलिया की पर्टिकुलर अगर अपन बात करते हैं तो बिजोलिया के बारे में ऐसा बताया गया है कि 1921 की जनगणना, 1921 की जनगणना की अगर अपन बात करते हैं तो 1921 की जनगणना के अनुसार बताया गया है कि यहाँ की कुल जनसंख्या कितनी थी? 15,000। और इस 15,000 के जनसंख्या में से 10,000 तो किसान ही थे, 10,000 क्या थे इसमें? किसान। और 10,000 में से भी 6,000 यहाँ की बात करें ये दाखर जाति के किसान थे, दाखर जाति के जाट, दाखर जाट होते हैं तो दाखर जाट थे, उनकी संख्या कितनी थी? करीब 6,000। तो यहाँ देखो बिजोलिया में जो आंदोलन होता है मुख्य रूप से किसानों ने किया, और किसानों में भी किसने किया? दाखर जाति के किसानों ने किया। किसानों में भी कौन करते हैं यहाँ पर? तो दाखर जाति के किसान है वो यहाँ पर आंदोलन करते हैं। ये तो देखो आंदोलन किसने किया और बिजोलिया के बारे में अपने बेसिक जानकारी ली है। अब दोस्तों इसके आगे की अगर अपन चर्चा करते हैं कि आंदोलन क्यों हुआ, उसका कारण क्या था, तो अपन सभी जानते हैं आंदोलन तो हमेशा किससे होता है? शोषण से होता है ना, बिना शोषण के आंदोलन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मैंने पहले आपको बताया था कि एक त्रिविम कड़ी, एक तीन कड़ी, शासक, जागीरदार और तीसरा कौन था? रैयत। यानी कि इन तीनों के बीच में बिल्कुल बाई डायरेक्शनल रिलेशन होते थे और एक दूसरे के सुख दुख के अंदर ही सहायता करते थे। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद में ये रिश्ता एक तरह से बिगड़ जाता है। कारण क्या है कि शासक जिसको सेना की जरूरत थी ये पूर्ति अंग्रेजों ने कर दी, तो ऐसी स्थिति में शासक ने जागीरदार को एक नौकर के समान इसके साथ व्यवहार करने लगा और ज्यादा से ज्यादा इससे पैसा वसूल करने लगा। और जागीरदार ने भी ऐसा बिहेव जनता के साथ किया क्योंकि अब उसको भी सेना की जरूरत नहीं थी। इस कारण से देखो ये तीनों की जो ये कड़ी है ये कड़ी बिगड़ जाती है और बेचारी रैयत का शोषण शुरू हो जाता है। और जैसे ही रैयत का शोषण हुआ तो इन्होंने अपने अधिकारों के लिए ही आंदोलन किया, उन्हीं को अपने किसान आंदोलन के नाम से जाना। ये बात है किसान आंदोलन क्यों हुए। अब बात अपन करते हैं कि मेवाड़ का जो बिजोलिया में किसान आंदोलन होने का कारण क्या था। तो देखो 1897 से की पहले की बात करें तो 1897 में यहाँ के राव थे राव गोविंद सिंह जी। ये बात कितने अपन ने, राव गोविंद सिंह एक भला इंसान था, इसके काल में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन जैसे ही 1897 में इसकी मृत्यु होती है और इसकी मृत्यु के बाद में राव किशन सिंह या किशन सिंह, एक ही बात है, किशन सिंह बोल दीजिए या फिर अपन क्या कह सकते हैं उसको, किशन सिंह कह दीजिए। ये राव किशन सिंह या किशन सिंह नया राव बनता है 1897 to 1906, 1906 तक ये राव रहता है। इसके समय इसने जनता के ऊपर करीब 84 प्रकार के लाग बाग लगाई, 84 प्रकार के इसने जनता के ऊपर लाग बाग लगाए। लाग बाग का क्या मतलब होता है, बात की थी, लाग जो शब्द बना है वो तो किससे बना है? लगान से। और बाग किससे बना है? बेगार से। तो यहाँ लाग बाग का मतलब क्या है? लगान और बेगार। तो इसने 84 प्रकार के देखो लाग बाग लगा दिए, टैक्सेस लगा दिए। अब इतने प्रकार के ये लाग बाग वसूल करता है तो बेचारी रैयत यानी किसानों की हालत बड़ी दयनीय स्थिति थी, लेकिन कोई भी खुलकर सामने आना नहीं चाहता था। लेकिन देखो नियति को जो होता है, नियति के अंदर लिखा होता है वो होके ही रहेगा, चाहे वो कैसे भी हो, होनी है वो होकर रहेगा। ऐसे काम यहाँ पर होता है
कि गिरधारीपुरा गांव, यहाँ का एक गांव गिरधारीपुरा गांव, और इस गिरधारीपुरा गांव में एक दाखड़ जाति का जो किसान है, इस किसान की मृत्यु हो जाती है। जब दाखड़ किसान की, यहाँ पर एक जाति किसान की मृत्यु होती है, तो अपन को मालूम है कि हमारे मृत्यु पर क्या किया जाता है, मौसर किया जाता है। तो ये मौसर इन्होंने भी किया, और उसमें सारे जो किसान हैं वो बड़ी संख्या के अंदर इस गांव में इनके यहाँ पर इकट्ठा होते हैं मौसर के समय, और उसी समय इनके अंदर आपस में चर्चा होती है ठाकुर के शोषण को लेकर, राव साहब के शोषण को लेकर। तो ऐसी स्थिति में जब देखो इनके बीच में चर्चा हुई, तो इनको प्रेरणा देने वाले व्यक्ति जो साधु सीताराम जी दास, क्या नाम था, साधु सीताराम दास। एक दूसरा मैंने और बताया था आपको, ब्रह्मदत्त, कौन बताया था आपका, ब्रह्मदत्त देवकरण। ये तीन नाम आपको याद करने हैं, साधु सीताराम दास, ब्रह्मदत्त और देवकरण। ये तीन व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले बिजोलिया के किसानों को आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया, यानी बिजोलिया किसान को आंदोलन आंदोलन करने के लिए प्रेरित करने वाला पहला व्यक्ति तो कौन है, साधु सीताराम दास। और साधु सीताराम दास की सहायता करने वाले व्यक्ति कौन है, ब्रह्मदत्त और देवकरण चारण, ब्रह्मदत्त और देवकरण चारण। इन तीन लोगों ने सब जनता को, यहाँ किसानों को प्रेरित किया कि आपको राव की शिकायत महाराणा फतमल यानी फतेह सिंह जी को करनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए इस वक्त मेवाड़ के महाराणा कौन थे, फतेह सिंह जी थे। तो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी को ये इसकी शिकायत करने के लिए बोलते हैं कि आपका जो शोषण किया जा रहा है, इस शोषण के बारे में आपको महाराणा को अवगत कराना चाहिए। लेकिन कौन जाए साहब महाराणा के पास, अरे हर कोई व्यक्ति मिल सकता है क्या प्रधानमंत्री जी से, नहीं मिल सकता है ना। तो वो तो प्रधानमंत्री थे, राणा महाराणा है, राजशाही वंश था, बात ही अलग थी साहब। तो हर कोई तो तैयार नहीं हुआ, लेकिन साधु सीताराम दास और ब्रह्मदत्त देवकरण के कहने पर, और इस स्थिति में दो व्यक्ति तैयार होते हैं, एक का नाम क्या था, ठाकरी पटेल, और दूसरे का नाम क्या था, नानजी पटेल। एक तो ठाकरी पटेल और एक नानजी पटेल। इसमें ठाकरी पटेल तो कहां के रहने वाले थे, बारीसाल के रहने वाले थे, कहां के रहने वाले थे, ये बारीसाल के रहने वाले। नानजी पटेल की बात करें तो ये नानजी पटेल था गोपाल सदन का, कहां का था, ये गोपाल सदन के। तो गोपाल सदन के नानजी पटेल और बारीसाल के ठाकरी पटेल, ये दोनों किसानों का नेतृत्व करने के लिए और उनकी शिकायत यानी राव साहब की शिकायत करने के लिए मेवाड़ यानी उदयपुर जाते हैं। लेकिन उदयपुर महाराणा से करीब 2 महीने तो मिल नहीं पाए। 2 महीने बाद जब इनकी मुलाकात होती है, तो महाराणा जो थे, महाराणा फतेह सिंह जी, इस महाराणा फतेह सिंह ने इनकी शिकायत पर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया। अब इनकी शिकायत पर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये राव साहब के हौसले और भी बुलंद हो गए साहब, राव कृष्ण सिंह जी के। उसने कहा कि देखो आप तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, लेकिन अब मैं आपको बिगाड़ता हूँ। राव कृष्ण सिंह ने ठाकरी पटेल और नानजी पटेल, इन दोनों को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया, और इसी के साथ ये बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू हो गया। अपने दोनों नेताओं के पक्ष में यहाँ की जो किसान है वो भी साहब उनके पक्ष में खड़े हो गए और आंदोलन के लिए प्रेरित हो गए, ठीक है साहब, और आंदोलन करना शुरू कर दिया। तो सीधा सा अपन कह सकते हैं कि बिजोलिया के अंदर जो आंदोलन की शुरुआत होती है, ये शुरुआत कब हो रही है, 1897 में, और 1897 में राव कृष्ण सिंह के काल में तो इसकी शुरुआत होती है, और इसका दी एंड देखेंगे तो 1941 में इसका समापन होता है। करीब 44 वर्ष तक, यानी कि राजस्थान का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला अहिंसक किसान आंदोलन कौन सा है, अपना बिजोलिया किसान आंदोलन, जो 1897 में शुरू होता है और 1941 तक ये आंदोलन चलता है। आर्य के बात समझ में, क्लियर चीजें। तो ऐसे तो देखो ये आंदोलन चला। अब ये आंदोलन आगे जैसे बढ़ा, ठाकुरों ने जो किसानों ने पक्ष लिया अपने नेताओं का, तो राव साहब को भी झुकना पड़ा। जैसे तैसे करके देखो 1903 तक ये खट्टे मीठे अनुभव से आंदोलन चलता रहा। अब 1903 के अंदर एक नई आफत आ जाती है, क्या आफत आई थी, चौंरी कर लागू करना। कौन सा कर लागू करना साहब, चौंरी कर लागू करना, कि 1903 के अंदर
चौरी कर लागू कर दिया। ये चौरी कर क्या होता है अपन को मालूम है, कन्या के विवाह पर यानी लड़की के विवाह पर, कन्या के विवाह पर शासक द्वारा ली जाने वाली भेंट या ली जाने वाला कर क्या कहलाता है, चौरी कर कहलाता है। राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया के अंदर 5 रुपया प्रति कन्या विवाह साहब चौरी कर लागू कर दिया। कितना करता है ये, 5 रुपया प्रति कन्या चौरी कर लागू कर देता है। अब उस जमाने में 5 रुपए की बहुत वैल्यू होती थी, आजकल तो कुछ भी नहीं है। अरे 20 रुपए में तो शादी हो जाती थी उस जमाने के अंदर, और शादी भी होती थी आपको मालूम है, तीन तीन चार चार ऐसे भी पूरा। आज तो हम दो हमारे दो, उस जमाने में ऐसा नहीं था, हम दो हमारे 10, बिल्कुल ऐसा था। आप देखो हमारे कोई दादाजी और देख लो, चाहे हमारे पापा जी थोड़ी बड़ी से उम्र के हैं तो उनसे देख लो, कितने भाई, 5 भाई, 7 भाई, 3 बहनें, ऐसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और वर्तमान में कितने, हम दो हमारे दो, और आजकल तो उसको भी और भी कम कर लिया, कितना कर दिया साहब, हम दो, मुन्ना हो या मुन्नी दोनों में से एक ही भला है भाई, ठीक है। तो ऐसे देखो कन्या के विवाह पर 5 रुपया कर दिया, तो इसको लेकर अब किसानों ने विरोध किया, और किसानों का जब विरोध बढ़ा तो राव साहब ने इन 5 रुपये को घटाकर इनको 50% कम कर दिया, और कितना कर दिया साहब, 2.5 रुपया कर दिया, कि भी इतना तो रखूंगा, इससे कम तो मैं नहीं करूंगा। तो 2 साल बाद में इसको 2.5 रुपया कर दिया, तब जाके 2 साल बाद में ही मेवाड़ के अंदर यानी बिजोलिया में यहाँ के किसानों ने अपनी कन्याओं का विवाह किया था, ठीक है साहब। अब ऐसा जुल्मी, ऐसा इंसान, इसकी मृत्यु कब हो जाती है, 1906 के अंदर। आगे बात समझ, तो यहां तक देखो अपन जो पढ़ा उसमें समझने की बात क्या है, कि बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कब होती है, 1897। इस समय बिजोलिया के राव कौन थे, राव कृष्ण सिंह जी। कौन थे, राव कृष्ण सिंह जी। बिजोलिया आंदोलन की शुरुआत के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे, फतेह सिंह जी। बिजोलिया के किसानों को आंदोलन करने के लिए प्रारंभ में प्रेरित करने वाले व्यक्ति कौन कौन थे, साधु सीताराम दास, ब्रह्मदत्त और देवकरण, ब्रह्मदत्त और देवकरण। इनकी प्रेरणा से राव साहब की शिकायत करने के लिए राणा जी के पास कौन जाते हैं, ठाकरे पटेल और नानजी पटेल, ठाकरे पटेल और नानजी पटेल। चौरी कर कब लागू किया जाता है, 1903 के अंदर। चौरी कर क्या है, कन्या के विवाह पर लिया जाने वाला कर जो शासक वसूल करता है। तो राव कृष्ण सिंह ने कितना लागू किया था, 5 रुपया, लेकिन जब किसानों ने दबाव किया, 2 साल तक विवाह नहीं किया, तो इसको घटाकर कितना कर दिया जाता है, 2.5 रुपया कर दिया जाता है। आगे बात समझ में, कितना कर दिया इसको, 2.5 रुपया कर दिया। ऐसे तो माय डियर ये अपने देखो राव कृष्ण सिंह जी के काल में इसकी शुरुआत हुई। राव कृष्ण सिंह जी के बाद में अपन दूसरा देखें तो नया राव जो बनता है वो कौन बनता है, राव राव कौन बनता है साहब, पृथ्वी सिंह बनता है। राव पृथ्वी सिंह की अगर अपन बात करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए ये 1906 टू 1914, 1906 से लेकर 1914 तक बिजोलिया के जो राव रहते हैं वो कौन रहते हैं, पृथ्वी सिंह जी रहते हैं। और इनके समय की मुख्य घटना अपन देखेंगे तो वो एक ही आती है, तलवार बंधाई कर। कौन सी आती है, तलवार बंधाई कर। देखिए दोस्तों तलवार बंधाई की अगर अपन बात करते हैं तो इस ये कर एक ऐसा होता है जिससे रैयत का कोई संबंध नहीं होता, रैयत से इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो तलवार बंधाई कर है ये किसी जागीरदार के द्वारा, किसी राव के द्वारा, किसी ठाकुर के द्वारा, जब किसी राव ठाकुर या जागीरदार की नियुक्ति की जाती है तो इनकी नियुक्ति के समय मेवाड़ महाराणा को, मेवाड़ जो महाराणा थे, महाराणा को इनके द्वारा जो नकद भेंट दी जाती थी उसी भेंट को क्या बोला जाता था, तलवार बंधाई कर। तो मेवाड़ महाराणा ये मानेंगे कि साहब ये आज से नया राव है, ये नए जागीरदार हैं, ये ठाकुर साहब हैं, और वो उसको मान्यता खुद देता था। कैसे देता था, उसके कमर के अंदर अपने हाथों से तलवार बांधता, और जब उसको तलवार बांधता ना अपने हाथ से तभी उसको अपना राव उसको स्वीकार कर लेता, और उसके बदले में उस व्यक्ति को एक अच्छी खासी रकम राणा जी को देनी पड़ती, उसी को अपन क्या बोलेंगे, तलवार बंधाई। अरे बात समझ में, क्या बोलेंगे उसको, तलवार बंधाई। बताइए इसका तलवार बंधाई का रेत या जनता से कोई मतलब है क्या, नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है जनता या रेत से। लेकिन इसने क्या किया, राव पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई का सारा जो भी भार था
ये भार भी इसने किस पर डाल दिया, रैयत पर डाल दिया, यानी जनता पर ही डाल दिया। अब जनता पर ये इसने प्रभाव डाला तो निश्चित रूप से भी आंदोलन तो होगा ही होगा। तो 1906 से लेकर 1914 तक जो आंदोलन का आधार रहा है, ये आधार रहा है तलवार बंधाई कर। लेकिन 1914 में इसकी भी मृत्यु हो गई। और अब इसकी मृत्यु के बाद में देखो जो नया राव बनता है, ये राव कौन थे, राव केसरी सिंह, जो कि अंतिम समय तक अभी यहाँ के राव ये ही रहते हैं। 1914 के अंदर ये बनते हैं और जब तक ये लास्ट इसका समापन नहीं होता तब तक यही यहाँ के क्या रहते हैं, राव साहब रहते हैं। लेकिन जब ये राव बने ये मात्र उस वक्त 5 वर्ष के लगभग की उम्र के थे। अब अपन को मालूम है एक 5 साल का बच्चा है वो शासन चला सकता है क्या, नहीं चला सकता ना। तो इसकी सहायता के लिए क्या कर दिया गया, इसकी सहायता के लिए एक मुरस मात बैठा दी। क्या बेटे साहब, मुरस मात, थोड़ा सा टिपिकल सा शब्द लग रहा होगा, चलो इजी कर देते हैं, समिति तो समझते हो ना, बिल्कुल, तो मुरस मात बोल दीजिए या फिर अपन क्या बोल सकते हैं इसको, समिति कह सकते हैं। बात एक ही है, एक समिति का गठन कर दिया और समिति के सदस्य, इसमें समिति के सदस्य को नहीं, कुछ समितियों को सदस्यों की एक समिति बना दी। और जब तक राव साहब खुद सियाने नहीं हो जाते, यानी शासन चलाने लायक नहीं हो जाते, तब तक ये समिति क्या करेगी, प्रशासन की जिम्मेदारी निभाएगी। अब बेचारों को जैसे तैसे तो इनको मौका मिला था और मौका मिलते इन्होंने क्या कर दिया साहब, अपना खुद का मीटर चालू कर दिया। खुद का मीटर चालू करना समझते हो, बिल्कुल साहब, ज्यादा से ज्यादा लूटना शुरू उन्होंने कर दिया। अब इतना ज्यादा उन्होंने लूट लिया कि भैया जितना ज्यादा लूटोगे शोषण उतना ही ज्यादा हो रहा है। और जब जब शोषण की यानी कि इंतहा हुई है या बहुत ज्यादा शोषण बढ़ा है, इसी शोषण ने किसको पैदा किया है, क्रांति को पैदा किया है। और इस शोषण की मुक्ति के लिए कोई ना कोई शहंशाह या यूं कह सकते हैं अपन कोई ना कोई हीरो की एंट्री होती है। और ऐसे ही देखो इस आंदोलन के अंदर भी, इस आंदोलन के रियल हीरो विजय सिंह पथिक की एंट्री होती है। कब होती है, 1916 के अंदर, 1916 में विजय सिंह की एंट्री हुई। अब ये विजय सिंह पथिक कौन है, यहां क्यों आया, कारण क्या था राजपुताना में आने का, क्योंकि ये राजपुताना का तो रहने वाला ही नहीं था, मालूम है ना अपन को, मैं राजपुताना का रहने वाला नहीं था। तो अब अपन थोड़ी चर्चा करेंगे ये विजय सिंह पथिक के बारे में करेंगे साहब। विजय सिंह पथिक, देखिए दोस्तों, विजय सिंह पथिक की बात करें तो इसका हमें मालूम है कि जो वास्तविक नाम है, ये वास्तविक नाम ये ना होकर क्या था, भूप सिंह गुर्जर, गुर्जर बाबा था ये, भूप सिंह गुर्जर। ऐसे तो देखो साहब, भूप सिंह गुर्जर और रहने वाला भी यहाँ का नहीं, ये स्थायी निवासी की बात करें तो अपने बात की थी, ये कहाँ का रहने वाला है, बुलंदशहर का रहने वाला है। तो बुलंदशहर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश, तो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का निवासी। अब बात आती है साहब राजपुताना आने का उद्देश्य, ये हमारे राजपुताना में क्यों आया, कारण क्या था, कितनी अपने चर्चा, कल कुछ बेसिक समझाया था मैंने आपको, तो ये क्या करना चाहता था, यहाँ पर सशस्त्र क्रांति करना चाहता था। और इसको सशस्त्र क्रांति के लिए यहाँ पर भेजने का कार्य किसने किया था, सचिंद्र सान्याल, किसने साहब, सचिंद्र सान्याल। और दूसरा व्यक्ति कौन था, रास बिहारी बोस। क्योंकि ये सचिंद्र सान्याल और रास बिहारी बोस तो दो महान क्रांतिकारी हुए हैं, ये किसी भी कीमत पर अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकालना चाहते थे। और 1857 की क्रांति के समय जो गलती हुई थी उस गलती को सुधार कर ये अंग्रेजों को यहाँ से भगाना चाहते थे। इन्होंने योजना बनाई कि हम पूरे भारत के अंदर एक साथ एक समय पर अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति करेंगे और अंग्रेजों को देश से बाहर निकालेंगे। ये साहब इन्होंने योजना बनाई और इस योजना के अनुसार ही इन दोनों ने इस सचिन जो अपना था विजय सिंह पथिक यानी भूप सिंह जी गुजर, भूप सिंह गुजर को राजस्थान भेजा। और इस भूप सिंह गुजर की सहायता करने वाला जो व्यक्ति था ये यहाँ पर कौन था, गोपाल सिंह खरवा, ये जागीरदार थे साहब लेकिन स्वतंत्रता सेनानी। ये गोपाल सिंह खरवा के साथ मिलकर 1915 के अंदर राजस्थान में सशस्त्र क्रांति करना चाहता था, लेकिन भेद खुल गया, बिल्कुल अपनों ने धोखा दिया। और इस धोखे के कारण से देखो
बेचारे दोनों को पकड़ लिया गया, गोपाल सिंह खरवा और भूप सिंह गुर्जर। और इन दोनों को पकड़कर कहां पर कैद किया गया इनको, टॉडगढ़ के किले में इनको रखा गया। टॉडगढ़ का जो किला है कहां पर पड़ता है आपको मालूम है, टॉडगढ़ किला अजमेर में पड़ता है। इस टॉडगढ़ का किला में दोनों को रखा गया, और टॉडगढ़ के किले में रहते हुए ये गोपाल सिंह खरवा, क्योंकि ये तो एक योद्धा था, इसने अपने तलवार के बल पर मौका देखकर बिल्कुल साहब दो चार को मारकर ये तो यहां से फरार हो जाता है। इधर भूप सिंह गुजर है, ये भी यहां से फरार हो गया, और फरार होकर इसने अपना वेश बदल लिया, और वेश बदलने के साथ साथ ही अपना नाम भी बदल लिया, और नाम क्या रखता है ये, विजय सिंह पथिक। आगे बात समझ में, ऐसे देखो ये राजस्थान में आता है, तो भूप सिंह गुजर से ये क्या बन जाता है, विजय सिंह पथिक बन जाता है। कहां से फरार होता है, टोटगढ़ के किले से फरार होता है। अब देखो ये भूप सिंह यानी विजय सिंह पथिक ये इधर उधर घूमता हुआ, जैसे रोही नामक स्थान है, यहाँ से मोही नामक स्थान पर जाता है, और आगे जाकर चित्तौड़गढ़ के अंदर जो चित्तौड़ है, इस चित्तौड़ में उसने विद्या प्रचारिणी सभा, कौन सभा साहब, विद्या प्रचारिणी सभा। इस विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की थी, हरि भाई किंकर। कौन थे इसके संस्थापक, हरि भाई किंकर। तो हरि भाई किंकर द्वारा स्थापित विद्या प्रचारिणी सभा को उसने ज्वाइन कर लिया, और सब पढ़ाने लिखाने का ये काम करने लग गया। और इसी विद्या प्रचारिणी सभा की एक बैठक जो चित्तौड़ में होती है, वहीं पर इनकी मुलाकात साधु सीताराम दास से होती है। किस होती है साहब, साधु सीताराम दास से चित्तौड़ में इनकी मुलाकात हुई विद्या प्रचारिणी सभा की बैठक में। यहीं पर साधु सीताराम दास ने इनसे निवेदन किया, साधु सीताराम दास थे, इन्होंने इनसे निवेदन किया कि आप बिजोलिया के किसानों का नेतृत्व करें। इन्होंने इनका निवेदन स्वीकार कर लिया, और साधु सीताराम दास के निवेदन पर अब विजय सिंह पथिक 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े गए। आगे बात समझ में, कैसे जुड़े, वापस एक बार देखो, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था, भूप सिंह गुजर, कहाँ के रहने वाले थे, बुलंदशहर के। राजस्थान आने का उद्देश्य क्या था, सशस्त्र क्रांति करना, इसके लिए इसको किसने भेजा था, सचिंदर सान्याल और रास बिहारी बोस, इन दोनों को बंदी बनाकर कहां पर रखा गया, टोटगढ़ के किले में। यहां से वेश बदलकर गोपाल सिंह खरवा भी आग जाता है, और ये भी आग जाता है, इसने अपना नाम क्या रखा, विजय सिंह पथिक। टोटगढ़ से फरार होने के बाद उसने कौन सी संस्था ज्वाइन की, विद्या प्रचारिणी सभा। इस विद्या प्रचारिणी सभा के संस्थापक कौन है, हरि भाई किंकर। और इसी की बैठक में चित्तौड़ के अंदर किससे मुलाकात होती है, साधु सीताराम दास। किसके निवेदन पर इसने बिजोलिया के किसानों का नेतृत्व करना स्वीकार किया, साधु सीताराम दास के निवेदन के ऊपर। ये बिजोलिया किसान आंदोलन से कब जुड़ते हैं, 1916 के अंदर, कब जुड़ते हैं ये, 1916 में। ओके, क्लियर चीज। अब देखो इसके आगे का घटनाक्रम, बिल्कुल फिल्म की तरह कहानी है, आप फिल्म देख लो चाहे ये कर लो, हो सकता है अगर मैं डायरेक्टर बनू तो इसकी फिल्म बना लो एक, ठीक है, आराम से ऐसी तो बन रही है आजकल, हिस्टोरिकल मूवी खूब बन रही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो विजय सिंह पथिक है, ये विजय सिंह पथिक आंदोलन का नेतृत्व करने लगे, यानी बिजोलिया आ गया, बिजोलिया आंदोलन से जुड़ जाता है, कब जुड़ता है, 1916 के अंदर, 1916 में ये बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ गया। अब बिजोलिया आकर इसने सबसे पहले जो प्रथम इसने कार्य किया, बताइए कार्य क्या किया था इसने, मैंने आपको बताया था कि 1914 टू 1918 एक मुख्य घटना घटित होती है विश्व के अंदर, प्रथम विश्व युद्ध। इस प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सहायता कौन कर रहा था, भारत भी कर रहा था, और पूरे भारत से युद्ध के नाम पर सभी राजा महाराजाओं से हर जगह से चंदा वसूली की जा रही थी। यही चंदा वसूली कहां पर हो रही थी, बिजोलिया में हो रही थी। तो सबसे पहले इसने ये कहा कि यह युद्ध साम्राज्यवादियों की कारण से लड़ा जा रहा है, साम्राज्यवाद के कारण से लड़ा जा रहा है, हम खुद साम्राज्यवाद के शिकार हैं, तो हम किसी भी प्रकार की कोई इनकी सहायता नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में इसने युद्ध के नाम पर, युद्ध के नाम पर चंदा न देने का आंदोलन चलाया, न देने का ये आंदोलन चलाता है,
और ये आंदोलन बिल्कुल साहब इसका एक सफल आंदोलन रहता है। और प्रारंभ में सफलता मिल जाती है ना तो जोश भी अपना आप ही बढ़ जाता है, बढ़ता ही नहीं बढ़ता, ये मामला यहाँ पर है। अरे कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, प्रथम लेसन ही उसका समझ में नहीं आया तो आधी सी तो ताकत अपनी वहीं समाप्त हो जाती है। अरे यार मेरी बस की बात नहीं है। और स्टार्टिंग ही अपन को बेसिक बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और पढ़ने में मजा आने लग जाता है ना, तो फिर आगे का 50% रास्ता तो पहले दिन ही क्लियर हो जाता है और आगे का रास्ता भी अपने आप ही क्लियर हो जाता है। ये मामला यह था कि विजय सिंह पथिक ने बिल्कुल सफलता पूर्वक युद्ध के नाम पर चंदा न देने का आंदोलन यहाँ पर ही चलाया और सफल होता है साहब इस कार्य के अंदर। अब विजय सिंह पथिक ने देखा कि बिजोलिया के किसानों को देखो एक नेतृत्व प्रदान करने के लिए किसी न किसी संस्था की आवश्यकता है, तो इन्होंने एक संस्था की स्थापना की और उसी संस्था को अपन क्या बोलते हैं, उपरमाल पंच बोर्ड। याद रखना विजय सिंह पथिक ने कौन संस्था की स्थापना की, उपरमाल पंच बोर्ड संस्था की स्थापना की। इस उपरमाल पंच बोर्ड संस्था की स्थापना कब होती है, 1917 के अंदर। इस उपरमाल पंच बोर्ड का एक अध्यक्ष या सरपंच बनाया गया, तो बताइए इसका अध्यक्ष या सरपंच किसको बनाया जाता है, मन्ना जी पटेल को। किसको बनाया जाता है, मन्ना जी पटेल। इस मन्ना जी पटेल को उपरमाल पंच बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाता है। एक इसका संदेश वाहक होता है और इसका जो संदेश पहुंचाने का काम करता था, और ये संदेश वाहक किसको बनाया जाता है, प्रेम जी भील को संदेश वाहक नियुक्त किया गया। आगे बात समझ में, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ, परमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब होती है, 1917। इसके अध्यक्ष कौन बनता है, मन्ना जी पटेल। ये दो चीजें आप याद रख लेना, यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन को गति देने के लिए विजय सिंह पथिक ने सर्वप्रथम किस संस्था की स्थापना की थी, तो आपको क्या बताना है, उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी और जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, मन्ना जी पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और इसका संदेश वाहक की बात करें तो संदेश वाहक कौन था, प्रेम जी भील को संदेश वाहक बनाया गया। क्लियर चीजें हो गया यहां तक क्लियर। अब इसके आगे की कहानी पढ़ते हैं। देखो अब विजय सिंह पथिक देखता है कि आंदोलन को और गति देने के लिए या बिजोलिया की जो समस्या है, इस समस्या को पूरे राष्ट्र स्तर पर फैलाया जाए, सारे राष्ट्र के मुख्य जो लोग हैं उन लोगों को पता होना चाहिए कि बेचारे बिजोलिया के किसानों की दुर्दशा का कारण क्या है और बिजोलिया के किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, तो इस आंदोलन का कारण क्या है, कैसे संकट के समय ये आपके यहाँ पर इनका शोषण, किस प्रकार से इनका शोषण किया जा रहा है। तो इसके लिए देखो सबसे उचित जो माध्यम होता है वो अपन को मालूम है मीडिया ही होता है। अरे कोई घटना जब तक दबी रहती ठीक रहती है, और जैसे अगर वो मीडिया में आ जाती है ना, फिर तो आपको मालूम है कि मीडिया में आते तो एक्शन लेना पड़ता है, नहीं लेना पड़ता, सबको पता चल जाता है यार वहां पर ऐसी घटना घटित हुई। और जब तक अखबार में नहीं आता जोधपुर में क्या हो रहा है, जैसलमेर में क्या हो रहा है, हमको पता चलता है क्या, यही चलता है ना। लेकिन अखबार से, टीवी से, आजकल फेसबुक से या सोशल मीडिया से कहीं पर कोई भी घटना होती है तुरंत अपन को उसके बारे में पता चल जाता है। तो विजय सिंह पथिक भी ऐसा ही सहारा लेता है और इसने सोचा कि इसका हमें क्या करना चाहिए, समाचार पत्रों के अंदर बिजोलिया की समस्याओं को प्रकाशित करना चाहिए। तो ये समाचार पत्रों का सहारा लेता है। अब साहब समाचार पत्रों में सबसे पहले कौन निकाले, अपना ही व्यक्ति निकालेगा, अरे अंग्रेजों के खिलाफ, जागीरदार के खिलाफ हर कोई व्यक्ति लिख सकता है क्या, नहीं लिख सकता ना। वो तो कोई क्रांतिकारी ऐसा व्यक्ति होगा जो उनके खिलाफ कुछ लेख लिख सकता है, हर एक की बस की बात नहीं है। तो ऐसे समाचार पत्रों का सहारा लिया। तो एक इसका विद्यार्थी था, उसका एक दोस्त था गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन था साहब, गणेश शंकर विद्यार्थी। ये भी एक क्रांतिकारी हुए हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी। ये गणेश शंकर विद्यार्थी क्या करते थे, ये कानपुर से, कहाँ पर रहते हैं, कानपुर। और कानपुर से इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला, उसका नाम क्या था, प्रताप। कानपुर से ये प्रताप समाचार पत्र ये यहां से प्रकाशित करते थे। इन गणेश शंकर विद्यार्थी से पथिक जी की मुलाकात होती है और पथिक जी इनसे निवेदन करते हैं कि बिजोलिया के किसान हैं,
इनकी समस्याओं को आप अपने समाचार पत्रों के अंदर इनको उल्लेख करो। तो विजय सिंह पथिक के कहने पर गणेश शंकर विद्यार्थी ने वादा किया था कि जब तक ये आंदोलन चलेगा मैं निश्चित रूप से रोजाना इसके बारे में सूचना प्रकाशित करूंगा, और ऐसा ही हुआ। इसके बारे में इसने हमेशा समाचार पत्र प्रकाशित किए, इसकी घटनाओं का उल्लेख किया, जिससे सभी लोगों को पता चला कि बिजोले के किसान देखो कितने समय से कैसे एक अहिंसक आंदोलन चला रहे हैं। कैसा आंदोलन? अहिंसक आंदोलन, बिना किसी हिंसा के एक जागीरदारों का और उनका शोषण सहन करते हुए ये आंदोलन चला रहे हैं। तो पूरे देश में साहब इनकी सहानुभूति फैलती है। ये क्वेश्चन देखो कुछ समय पहले एक एग्जाम में आया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था बिजोलिया समाज बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। तो बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधित पहला समाचार पत्र कौन सा गया? प्रताप समाचार पत्र। कहां से प्रकाशित होता था? कानपुर से। कौन प्रकाशित करता था? गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन करते थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। आगे बात समझ में। अब एक तरफ तो देखो ये, दूसरी तरफ विजय सिंह पथिक के इन कामों से एक व्यक्ति बहुत प्रभावित होता है, और वो व्यक्ति था माणिक्य लाल वर्मा। कौन थे साहब? माणिक्य लाल वर्मा। अब साइड हीरो की एंट्री होगी साहब, बाद में साइड हीरो ही मेन हीरो बन जाता है, ठीक है ना। माणिक्य लाल वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा बिजोलिया के ठाकुर के यहीं राव साहब के यहीं नौकरी करता था, और ये इतना प्रभावित हुआ पथिक से कि इसने नौकरी तो छोड़ दी कामदार की, और नौकरी छोड़कर ये भी आंदोलन से जुड़ गया। माणिक्य लाल वर्मा जी भी इसके विजय सिंह पथिक के साथ जुड़ जाते हैं, और इस माणिक्य लाल वर्मा ने उस वक्त एक गीत लिखा, उस गीत का नाम क्या था? पंछिड़ा। कौन सा गीत लिखता है? पंछिड़ा। इतना पॉपुलर हुआ कि भैया बिजोलिया के हर किसान, हर क्रांतिकारी, हर आंदोलनकारी के जुबा के ऊपर उस वक्त ये पंछिड़ा गीत ही था। जैसे क्रांति के समय नहीं था वंदे मातरम, अरे क्रांति के समय सबसे पॉपुलर क्या था? वंदे मातरम, ये था ना। ऐसे ही बिजोलिया का वंदे मातरम कौन बना? पंछिड़ा गीत। समझ में आ गया। और इस पंछिड़ा के लेखक कौन थे? माणिक्य लाल वर्मा। किससे प्रभावित होकर ये जुड़ते हैं आंदोलन से? विजय सिंह पथिक से प्रभावित होकर ये आंदोलन से जुड़े जाते हैं। एक से भले दो, पहले सीताराम दास अकेला था, अब कौन आ गया? विजय सिंह पथिक आ गया, और विजय सिंह पथिक के बाद में कौन आता है? माणिक्य लाल वर्मा। याद रखते जाना इनको। कौन आ गया? ये माणिक्य लाल वर्मा। कौन सा गीत लिखता है? ये पंछिड़ा गीत लिखता है। एक देखो, एक बात तो ये होती है, अब ये चाहते हैं कि हम इसको और भी एक ऐसी कोई संस्थाएं बनाएं या ऐसा समाचार पत्र प्रकाशित करें जिसमें हम खुद ही इसकी घटनाओं को प्रकाशित करें। तो इसके लिए देखो ये दोनों मिलकर प्रयास करते हैं। 1918 के अंदर 1918, इन घटनाओं को ढंग से समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं 20 मिनट में बताऊंगा आपको। 1918 में ये लोग दिल्ली जाते हैं, और दिल्ली में मध्य भारत राजपुताना सभा, किसकी सभा साहब? मध्य भारत राजपुताना सभा की स्थापना करते हैं 1918 के अंदर। कब करते हैं? 1918 में करते हैं, और दिल्ली के अंदर, दिल्ली में इसकी स्थापना होती है। मारवाड़ी लाइब्रेरी, मारवाड़ी जो लाइब्रेरी है, इस मारवाड़ी लाइब्रेरी में इसकी स्थापना की जाती है, जिसमें साधु सीताराम दास, माणिक्य लाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, कन्या उसका हरिभाई किंकर, ये जो गणेश शंकर विद्यार्थी, सेठ जमनालाल बजाज, ये प्रमुख व्यक्ति थे, और इन लोगों ने मिलकर मध्य भारत राजपुताना सभा की स्थापना की। और इसका जो प्रथम बैठक होती है वो कहीं पर होता है? दिल्ली में ही होती है, मारवाड़ी लाइब्रेरी के अंदर बैठक होती है, ठीक है। दिल्ली में जो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ वहां ये नेताओं से मिलते हैं, और उन नेताओं ने इनको कहा कि आप देखो अपना आंदोलन खूब लड़ो, खुद लड़ो, और उसके लिए जो भी हमारी अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की जरूरत होगी वो सहायता हम करेंगे। क्योंकि एक चीज अपन को मालूम रहना चाहिए कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, देखा जाए तो देश में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रही थी? राष्ट्रीय कांग्रेस थी। लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस का स्टैंड ये था उस वक्त कि हम
देसी रियासतों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, देसी रियासतें या राजा महाराजाओं को नाराज नहीं करेंगे। हम पहले अंग्रेजों से ही लड़ाई लड़ेंगे, पहले किस लड़ाई लड़ेंगे, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, देसी रियासतों के अंदर यहाँ के स्थानीय नेता, यहाँ की जनता आंदोलन चलाना चाहती है तो वो अपने स्तर पर ही चलाए, कांग्रेस उनका किसी भी प्रकार का कोई समर्थन नहीं करेगी। हाँ, मॉरल सपोर्ट तो देखो दिया ही जा सकता है, ऐसे केवल कांग्रेस ने मॉरल सपोर्ट दिया, किसी प्रकार की और सहायता नहीं की। तो कांग्रेस का सम्मेलन जो 1918 हुआ दिल्ली में, ये लोग गए, मुलाकात हुई, तब इन लोगों ने निर्णय किया कि हमें एक नई संस्था की स्थापना करनी चाहिए, और उस वक्त उन्होंने एक नई संस्था की स्थापना की योजना बनाई जिसको बोला गया राजस्थान सेवा संघ। ध्यान रख लेना, ये पहली कौन सी थी, मध्य भारत राजपूताना सभा 1918। अब कौन संस्था जाती है, राजस्थान सेवा संघ। कौन सा संघ है आपका, राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ की देखो जो स्थापना होती है कब होती है, 1919। कब हो इसकी स्थापना, 1919 में। इसकी स्थापना 1919 में, स्थान जहां पर इसकी स्थापना की गई वो कौन सा था, वर्धा। और वर्धा कहां पर पड़ता है, महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना कहां पर की जाती है, वर्धा महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की जाती है। वर्धा महाराष्ट्र में देखो जो इसकी स्थापना होती है, और इसके संस्थापकों की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए इसके संस्थापक सदस्यों में एक तो हमारे मुख्य रूप से कौन हो जाएंगे, विजय सिंह पथिक। कौन हो जाएंगे साहब, विजय सिंह पथिक आ जाएगा। एक इसमें हमारे माणिक्य लाल जी भी आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे, माणिक्य लाल जी वर्मा आ जाएंगे। एक इसमें जुड़ जाएंगे हमारे राम नारायण चौधरी। कौन जुड़ जाएंगे साहब, राम नारायण चौधरी जुड़ जाएंगे। इसी में सेठ जमना लाल बजाज। कौन साहब, सेठ जमना लाल बजाज। ये सेठ जमना लाल बजाज भी जुड़ जाते हैं, और भी हरिभाई किंकर वगैरह जो और व्यक्ति हैं ये भी इसके सदस्य रहते हैं। लेकिन मुख्य संस्थापकों में देखें तो कौन थे, ये विजय सिंह पथिक, माणिक्य लाल वर्मा, राम नारायण चौधरी और सेठ जमना लाल बजाज। एक व्यक्ति पूछे तो आपको किसको बताना है, विजय सिंह पथिक। आगे बात समझ में, किसको बताना है, विजय सिंह पथिक। तो 1919 के अंदर देखो ये संस्था की स्थापना हुई। अब इस संस्था की स्थापना कर ली, और इस संस्था से देखो ये लोग एक समाचार पत्र भी प्रकाशित करने लगे। समाचार पत्र बता सकते हो आप, राजस्थान सेवा संघ से प्रथम समाचार पत्र कौन सा प्रकाशित हुआ, ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, कौन सा था, राजस्थान केसरी। वेरी गुड, सबसे पहले कौन सा था, राजस्थान केसरी। कब होता है, 1919। कब हो रहा है ये, 1919। इस राजस्थान केसरी का संपादक कौन बना, तो रटने की जरूरत ही नहीं है, कौन था, विजय सिंह पथिक। राजस्थान केसरी के संस्थापक कौन थे, विजय सिंह पथिक। सह संस्थापक कौन बने, राम नारायण चौधरी। तो सह संस्थापक राम नारायण चौधरी, और संस्थापक कौन जाएंगे इसके, विजय सिंह पथिक। समझ में आ गया बात, ये ऐसे तो देखो इन्होंने ये समाचार पत्र निकाला। अब इस समाचार पत्र निकाला, साल भर तक साहब कार्य किया, लेकिन फिर अंग्रेजों के दबाव में वर्धा से भी इनको निष्कासित कर दिया गया कि भाई हम वर्धा के अंदर ये आंदोलन आपको ऐसा गतिविधियां नहीं चलाने देंगे। तो बेचारे क्या करते, अरे दूर सी जगह अपन रहते हैं, वहां से हमको निकाल दिया जाए तो आशियाना कौन सा हमारा घर तो रहेगा, घर से तो कौन निकालने वाला है, घर तो आना ही आना है ना। तो ऐसी स्थिति राजस्थान सेवा संघ की भी हो गई कि 1919 में वर्धा के अंदर राजस्थान सेवा संघ में जब 1919 अंत में रोक लगा दी जाती है, तो अब इस राजस्थान सेवा संघ का ट्रांसफर, इसका स्थानांतरण कहां पर कर दिया जाता है, अजमेर में। कब किया जाता है, 1920 में। राजस्थान सेवा संघ का अजमेर में स्थानांतरण कब हुआ, 1920 के अंदर साहब, इसका अजमेर में स्थानांतरण हो गया 1920 के अंदर। और अजमेर में स्थानांतरण ही नहीं हुआ, इन्होंने राजस्थान केसरी के ऊपर भी वहां पर रोक लगा दी थी अंग्रेजों ने। जब राजस्थान केसरी पे रोक लगा दी तो इन्होंने यहाँ पर इसको साहब नए फ्लेवर में चेंज कर दिया। ये तो हमको आता ही है ना, आजकल हमारे ये तो होता है, पुराना माल नए फ्लेवर में बस, ठीक है ना। कभी इलायची युक्त कोलगेट आ जाती है, कभी नमक युक्त आ जाती है, कभी किसी युक्त आ जाती है, आती नहीं आती है, ऐसा ही। तो पुराना माल नए फ्लेवर में बेचने में तो अपन पारंगत है साहब, परफेक्ट है। ऐसा ही काम हमने किया,
कि ये राजस्थान केसरी पुराना नाम था, रोक तो इस पे लगाई है ना, राजस्थान केसरी पे, चलो नाम चेंज करते हैं, और राजस्थान केसरी से क्या कर दिया, नवीन राजस्थान। आगे बात समझ में, क्या नाम किया उसका, नवीन राजस्थान। तो राजस्थान सेवा संघ द्वारा पहला तो कौन सा, राजस्थान केसरी, दूसरा कौन सा, नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान कहां से, अजमेर से, 1920-21 के अंदर ये अजमेर से प्रकाशित होता है नवीन राजस्थान। और इसके भी संपादक और सह संपादक दूसरे नहीं, वही दोनों व्यक्ति थे। संपादक तो कौन, विजय सिंह पथिक, और सह संस्थापक राम नारायण चौधरी। तो राम नारायण चौधरी संस्थापक, और संस्थापक और इसके संपादक हो जाएंगे विजय सिंह पथिक, और समाचार पत्र कौन सा हो गया, नवीन राजस्थान। लेकिन साहब यहां भी पीछा नहीं छोड़ा इनका, तो नवीन राजस्थान के ऊपर भी रोक लगा दी कि साहब इस नाम के से भी आप समाचार पत्र प्रकाशित नहीं कर सकते। जब नवीन राजस्थान पर रोक लगा दी तो उन्होंने कहा कि हमारा क्या जाता है, हम तो नया को तरुण भी कहते हैं, नया को क्या बोलते हैं, तरुण। तो नवीन राजस्थान का नाम क्या कर दिया उन्होंने, तरुण राजस्थान कर दिया। क्या कर दिया, तरुण राजस्थान। तो नवीन राजस्थान से क्या हो गया, तरुण राजस्थान। अब ये तरुण राजस्थान में आपको ध्यान रखने वाली देखो बात है, ये समाचार पत्र दो जगह से प्रकाशित होने लगा 1921 के बाद में, 1921 से। एक तो ये प्रकाशित होता था अजमेर से, और एक ये प्रकाशित हुआ था प्यावर से। दो जगह से प्रकाशित हुआ था, कहां कहां से, अजमेर से, और दूसरा कौन सा, ब्यावर से। तो अजमेर ब्यावर दोनों से प्रकाशित हुआ। अजमेर से जो प्रकाशित हुआ उसके संपादक अब बदल गए, जो सह संपादक था वो क्या बन गया, मुख्य संपादक। तो अब अजमेर से, या यूं कहें कि तरुण राजस्थान का संपादक कौन बन गया, राम नारायण चौधरी। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत कर देते हैं हम। तरुण राजस्थान का संपादक कौन है, राम नारायण, जबकि नवीन और राजस्थान केसरी का कौन है, विजय सिंह पथिक। अरे बात समझ में, ऐसे देखो ये तरुण राजस्थान का संपादक बन गया राम नारायण चौधरी। तो इसने तो इस समाचार पत्र को कहां से निकाला, अजमेर से प्रकाशित किया। लेकिन इसी वक्त मारवाड़ का एक स्वतंत्रता सेनानी, कौन थे मारवाड़ का स्वतंत्रता सेनानी, जय नारायण जी व्यास। कौन थे, जय नारायण व्यास। ये जय नारायण व्यास भी तरुण राजस्थान नाम से ही एक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित करते हैं, ब्यावर से प्रकाशित करते हैं। तो ये विषय ध्यान रखना है, राजस्थान सेवा संघ के द्वारा तरुण राजस्थान जो प्रकाशित हो रहा है वो कहां से, अजमेर से, और उसके संपादक कौन है, राम नारायण चौधरी। और तरुण राजस्थान जो ब्यावर से संपादित हो रहा है उसके संपादक कौन है, जय नारायण व्यास। कौन जाएंगे उसके, जय नारायण व्यास। क्लियर चीज। अब मैं आपसे ये कहूं कि बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित समाचार पत्र कौन कौन से हैं, तो आपके पास कितने हो गए, चार हो गए। पहला कौन सा, प्रताप, दूसरा राजस्थान केसरी, तीसरा नवीन राजस्थान, चौथा तरुण राजस्थान। चारों के संपादक और स्थान मालूम है, प्रताप का संपादक कौन है, गणेश शंकर विद्यार्थी, राजस्थान केसरी का विजय सिंह पथिक, नवीन राजस्थान का विजय सिंह पथिक, तरुण राजस्थान का राम नारायण चौधरी। प्रताप कहां से संपादित होता है, प्रताप कानपुर से, राजस्थान केसरी वर्धा से, नवीन राजस्थान अजमेर से, और तरुण राजस्थान अजमेर और ब्यावर से। ब्यावर से कौन संपादित करता था, जय नारायण जी व्यास। वेरी गुड। आगे बात समझ में, ऐसे तो देखो ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित समाचार पत्र, जो कि से संबंधित समाचार पत्र प्रकाशित किए गए, ठीक है। क्लियर चीज, मिटा दो इनको, ये सारी चीजें लिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। एक बार पहले दिमाग में पूरी पिक्चर बन जानी चाहिए कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। मॉडर्न हिस्ट्री राजस्थान की बिल्कुल ओरल याद रहनी चाहिए, अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो ओरल पूरी याद रहनी चाहिए, ठीक है ना, और आराम से याद हो जाएगी, केवल कहानियां इसकी।